नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेंसिबल के हिंदी वेबिनार में। आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं थोड़ा सेंसिबल के बारे में, जो कि इंडिया का पहला ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा विजन है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाना, उनका प्रॉफिट करवाना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो हमारे हिसाब से एक मैराथन है, एक लंबी दौड़ है, एक लंबी रेस का घोड़ा जो होता है वही इस रेस में अव्वल आ सकता है। और आगे की अगर मैं बात करूं तो एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ सब्र और अनुशासन, मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और इस पर वॉरेन बफेट का एक कोट भी है कि द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट्स। तो स्टॉक मार्केट में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि क्यों ऑप्शन सिर्फ खरीदना या सिर्फ बेचना नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन की नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेड स्ट्रैटेजीज बिगनर्स के लिए, कब और कैसे करा जाए, एंट्री और एग्जिट क्या होनी चाहिए, पे ऑफ डायग्राम क्या होता है, उसमें मैक्सिमम नुकसान या मैक्सिमम फायदा क्या कैसे देखा जाए, और ब्रेक इवन कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें, यानी कि व्हाट नॉट टू डू। तो सबसे पहला कि अवॉइड नेकेड सेलिंग, मतलब ऑप्शन को सिर्फ बेचने से बचें, क्योंकि अगर स्टॉक में कोई बड़ा मूव आता है तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। दूसरा कारण इसका यह है कि आपके स्टॉप लॉस लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर स्टॉक में ओवरनाइट कोई मूव आ जाता है। मान लीजिए आप कहते हैं भाई मैं तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा लॉस ज्यादा नहीं होगा, और किसी कारणवश मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टॉप लॉस आपका कहीं बीच में रह जाता है, तो आपके स्टॉप लॉस लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, अवॉइड बाइंग ओनली, सिर्फ खरीदना अवॉइड किया जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस, खासकर जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, वो एक्सपायरी तक जीरो हो जाते हैं, यानी वर्थलेस हो जाते हैं, जो कि आप सबको पता है धीरे 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 उनका प्राइस घटता रहता है और एक्सपायरी तक आते आते वो जीरो हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें मार्जिन कम चाहिए होता है। ये वही वजह है जिसकी वजह से हम ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा झुकते हैं कि सर इसमें मार्जिन थोड़ा कम चाहिए होता है। बट आप ये भी ध्यान रखिए कि मुनाफा होने की उतनी ही कम संभावना होती है। जैसे एक लॉटरी टिकट होता है जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये होती है और इस पर इनाम 5 लाख तक का रखा जाता है, पर वो इनाम खुलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन बाइंग है वो केवल और केवल लॉटरी टिकट के जैसा ही है। तो चलिए अब हम एक कंपैरिजन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या अंतर है। तो पहले हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग में, बाइंग ऑप्शंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला, बड़े मुनाफे के कम चांसेस होते हैं, ठीक है, जो कि साफ है, और नुकसान सीमित होता है, नुकसान उतना ही होगा जितना कि आपका प्रीमियम है। आगे बढ़ते हैं, असीमित फायदा, मतलब फायदा अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है यहां पर। ब्रेक इवन काफी मुश्किल आता है, मतलब मार्केट में काफी अच्छा खासा मूव आना चाहिए तब आपका ब्रेक इवन अचीव होगा। और आखिरी, वीगा और थीटा हमेशा आपके खिलाफ रहेंगे, आपके ऑपोजिट हमेशा खड़े रहेंगे, जो कि आपका प्रॉफिट नहीं होने देना चाहते हैं। चलिए अब ऑप्शन सेलिंग की तरफ चलते हैं, जहां छोटे मुनाफे होने का ज्यादा चांस है बजाय बड़े मुनाफे होने का कम चांस, जो कि बाइंग ऑप्शन में था। तो आप ये समझिए कि आप रोज, मान लीजिए 20-20 रुपए कमाना चाहते हैं 5 दिन के लिए, या फिर आप 4 दिन कुछ ना कमाएं और 1 दिन 50 रुपए कमाएं, चॉइस आपकी। तो सेलिंग ऑप्शन में रोज आप कुछ कुछ छोटा मुनाफा कमा सकते हैं, पर वहीं बाइंग ऑप्शन में आपको बड़ा मुनाफा कमाना पड़ेगा, उसके कम चांस हैं, क्योंकि मार्केट में आपके फेवर का मूव आना चाहिए, दूसरा बड़ा मूव आना चाहिए, तीसरा
जल्दी आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें असीमित नुकसान है जो कि हम उसको कवर अप कर सकते हैं स्प्रेड्स के द्वारा, जो कि आज हम सीखेंगे कि जो ये अनलिमिटेड लॉस है ऑप्शन सेलिंग में, उसको कैसे ऑप्टिमम करा जाए, उसको कैसे कम किया जाए ताकि हमें मुनाफा भी हो और जो नुकसान है वो भी कम हो। फायदा सीमित है, ब्रेक इवन काफी आसान है, ब्रेक इवन तक काफी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, माने नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है वो, सेलिंग ऑप्शन में जल्दी आती है बजाय बाइंग ऑप्शन के। और वीगा और थीटा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे कि सपोज मार्केट में कोई भी मूव नहीं होता है तो वीगा और थीटा आपको पैसे ला ला के देते रहेंगे, आपको पैसे कमा कमा के देते रहेंगे। तो क्या किया जाए, तो करना क्या चाहिए, मैं ऑप्शन बाई भी ना करूं? आप सोच रहे होंगे कि भाई सेलिंग में भी कुछ नुकसान है, बाइंग में भी कुछ नुकसान है, तो मुझे मैं ऑप्शन बाई भी ना करूं, मैं ऑप्शन सेल भी ना करूं, तो मैं करूं क्या? सीधा जवाब, आप स्प्रेड करिए, ऑप्शन बाय भी करिए और सेल भी करिए। तो इससे जो ऑप्शन बाइंग की बाइंग ऑप्शन की जो कुछ खासियत है वो भी आपके ट्रेड में आएंगी, और जो ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग की खासियत है वो भी आपके ट्रेड में आएंगी। स्प्रेड क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे आपका नुकसान लिमिटेड रहेगा, ब्रेक इवन की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको ध्यान होगा कि जो नुकसान लिमिटेड है वो है बाइंग ऑप्शन की खासियत, और ब्रेक इवन की संभावना बढ़ाना किसकी खासियत है, वो सेलिंग ऑप्शन की खासियत है। तो हमने दोनों के जो खास खास पॉइंट है उनको उठाया है और अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर दी है। तो चौथा इसमें है कि बिगिनर के लिए सबसे सही है क्योंकि इसमें लॉस लिमिटेड रहता है दोस्तों, आपको पता रहता है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। और दोस्तों सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है इसमें मन की शांति, मतलब आप ऑप्शन स्प्रेड अगर करते हो तो आपको ये पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मार्केट नहीं भी मूव होता तो भी मेरी प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी है, मेरा ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा। तो मतलब आपके मन में ये तय है कि मुझे प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, और अगर मुझे लॉस भी होता है तो वो बहुत कम लॉस होगा, बहुत ही छोटा लॉस होगा मुझे। तो इस वजह से आप चैन से सो पाएंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन बाय अगर आपने कर रखा है तो आपके मन में हमेशा रहेगा कि अगर कल बड़ा मूव नहीं आता है, अगर कल एक्सपायरी है और बड़ा मूव नहीं आता है तो मेरा सारा जो प्रीमियम है वो डूब जाएगा। पर अगर आपने स्प्रेडिंग कर रखी है, ऑप्शंस की स्प्रेडिंग कर रखी है, तो आपका मन पूरी तरह शांत रहेगा, आप चैन की नींद सो पाएंगे, आपका मन कतई विचलित नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ, सारांश की तरफ, कि हमें अब तक क्या सीखने मिला। सबसे पहला, ट्रेड रेस्पॉन्सिबली, हमेशा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड करें, इस तरह ट्रेड ना करें कि जाएगा ठीक है मेरा पूरा प्रीमियम चला जाएगा बट अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इस मनस्थिति के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप ट्रेड ना करें। दूसरा, अपने रिस्क को समझें, मुझे कितना रिस्क उठाना चाहिए, मैं रिस्क अपना किस तरह कम कर सकता हूं। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जो स्प्रेड की स्ट्रेटजी है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देगी, एक मन की शांति देगी, मन शांति देगी आपको। और यस, अवॉइड लॉसेस जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप स्ट्रेटजी बनाइए अपनी, आप सोचिए विभिन्न विभिन्न तरीके से कि किस तरह मेरे लॉसेस कम हो सकते हैं। बस एक ही चीज़ टारगेट करिए, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे मेरे लॉसेस मिनिमाइज कर देने हैं, तो अगर उस टाइम पे आपको प्रॉफिट थोड़ा भी होगा तो आपका जो नेट पोर्टफोलियो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। और सबसे बेस्ट है सेंसिबल का स्ट्रेटजी फाइंडर यूज़ करिए अपने लिए, बेस्ट ट्रेड चूज करने के लिए उसमें स्ट्रेटजीज अपनी बनाइए खुद। ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग को कंपेयर करिए कि किस ट्रेड के लिए मुझे ऑप्शन बाय करना चाहिए या किस ट्रेड के लिए मुझे ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो ये दोस्तों ये सब कुछ अभी हम सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे, तो आप परेशान मत होइए कि हम ये किस तरह करें, आपने तो कुछ बताया नहीं। इसके आगे हम जानेंगे वो सब कि सेंसिबल ऑप्शन स्ट्रेटजी फाइंडर में आप किस तरह अपने लिए एक बेस्ट ट्रेड चुन सकते हैं।
ओके, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कॉल ऑप्शन किस तरह काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉल ऑप्शन का पे ऑफ डायग्राम है, जिसमें कि मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम रहता है और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कॉल ऑप्शन आपको कब बाय करना है। तो आपको ये ऑप्शन तब ही खरीदना है जब आपका अनुमान है कि मार्केट में एक क्विक बिग एंड अप मूव आएगा। तो आपका मार्केट को लेकर ऑब्वियसली बुलिश व्यू है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो मूव है वो जल्दी आने वाला है और वो बड़ा मूव है, एल्स आपका जो बाइंग कॉल ऑप्शन का जो स्ट्रेटेजी है वो उतना ढंग से काम नहीं करेगा। और आइडियली ये आपको तभी लेना चाहिए जब आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कम होती है, और छोटे और स्लो मूव के लिए इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका हम देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो पहला तो इसका प्रो है यानी एडवांटेज इसका ये है कि इसमें लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड लॉस माने आपको लॉस उतना ही होगा जितना कि आपका आपने प्रीमियम दिया है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं, खासकर जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, वो एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आईवी बढ़ता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला कि जब आईवी कम हो तब आप ऑप्शन बाय करें, तो अगर आईवी बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा, उतना उतना बढ़ता है। और जो एक ऑब्वियस सा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे हर दिन निकलता रहेगा, टाइम वैल्यू आपके ऑप्शन प्राइस में से घटता रहेगा, आप उतना उतना अपने प्रॉफिट में से डेली खोते रहेंगे। तो ये कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। चलिए अब हम चलते हैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ओके, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा कॉल ऑप्शंस के बारे में, तो उसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो सेंसिबल के इस सॉफ्टवेयर में आप जब स्ट्रेटेजी बिल्डर पर जाएंगे, तो सपोज़ मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, निफ्टी का मैं यहाँ पर एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन अगले वीक के एक्सपायरी के लिए बाय करने पर लगाता हूँ, और मैं अपना एक मार्केट व्यू यहाँ पे रखता हूँ कि अगली एक्सपायरी तक निफ्टी 9,000 पर चला जाएगा। तो मैं ये लेग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक। तो जो आप ये अभी देख रहे हैं ये निफ्टी का पे ऑफ डायग्राम है, निफ्टी बाय ऑप्शन का पे ऑफ डायग्राम है। तो अगर निफ्टी एक्सपायरी तक मान लीजिए 9,400 तक पहुंच जाता है, तो मुझे 40,000 तक का प्रॉफिट है। बट द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा मूव निफ्टी में आएगा? और मान लीजिए कि ये बड़ा मूव, ये जो इतना बड़ा मूव है ये आ भी जाता है, तो हम इसके दूसरे पहलुओं पर देखते हैं, गौर करते हैं कि दूसरे क्या क्या चीज़ हैं जिनसे ये जो प्रॉफिट है मेरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे, मैं जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम मुझे इसका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास, 9,700 के आसपास मुझे देना पड़ रहा है। तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो मेरा प्रीमियम है, जितना मुझे, अगर सपोज मेरा टारगेट मीट नहीं होता है तो मैक्सिमम लॉस मुझे उतना हो सकता है जितना मैंने प्रीमियम दिया है, सिंपल। और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, मुझे कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अभी हम सिचुएशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे मुझे आईवी दिखाई दे रहा है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी ऑफ निफ्टी। करंटली ये 93 पर बता रहा है मुझे, तो जो कि निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। हमने निफ्टी की आईवी तो 15 के आसपास देखी है, सिंस अभी मार्केट काफ़ी अनसर्टेन चल रहा है, तो ये जो आईवी है वो 93 बता रहा है। तो मान लीजिए मैंने ये इसका जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर रखा है, और निफ्टी सपोज कहीं भी मूव नहीं होता है, और अभी जिस जहां पर है वो वहीं पर रहता है, 8,200 के आसपास मैं इसे कर देता हूँ, तो 8,200 के आसपास ये रहता है। और आईवी में अभी आप देख रहे होंगे मुझे 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और आईवी को मैं क्या करता हूँ,
मान लीजिए किसी भी कारणवश आईवी नीचे घट जाता है, आईवी डिक्रीज हो जाता है, जो अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में है, जो वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में है, वो कम हो जाती है, वो घट जाती है, और मैं इसको 20 पॉइंट से घटा के 70 पर कर देता हूँ, तो जो आपको 1,000 का फायदा हो रहा था, अब वो 4,000 के नुकसान में बदल गया। तो आप ये समझ रहे हैं ये चीज़ कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो इंडेक्स है, वो कहीं मूव नहीं हुआ है, वो वहीं खड़ा हुआ है, कुछ भी और चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बस इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में 20 पॉइंट का डिफरेंस, और आपका 1,000 का प्रॉफिट अब 4,000 का नुकसान हो चुका है। तो अगर आप न्यू भी हैं, अगर आप बिगिनर हैं मार्केट में, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप इस अननोन रिस्क से अपने आप को एक्सपोज रखें, सिंस वी डोंट नो अबाउट आईवी। हमारा व्यू केवल मार्केट को लेकर होता है। मान लीजिए आपका बहुत स्ट्रांग बुलिश व्यू भी है मार्केट को लेकर कि नहीं वो तो जाएगा ही जाएगा, बट यू डोंट नो अबाउट आईवी, आप आई एम नहीं जानते हैं कि आईवी कहाँ रहेगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस रिस्क से अपने आप को एक्सपोज रखें। तो चलिए अभी मान लेते हैं कि मैं अभी के लिए आईवी को वापस रीसेट कर देता हूँ जहाँ पर थी आईवी। और दूसरा मेरा फैक्टर है टाइम डी के, यानी थीटा। तो मैं जब यहाँ पर देखता हूँ, तो एक मैं बेसिक बता देता हूँ, यहाँ पर जब मुझे थीटा और वीगा मिलता है, वीगा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन आईवी। तो अगर मेरे आईवी में 1 पॉइंट का चेंज होता है, तो मुझे ऑप्शन प्राइस में मेरे कितने पॉइंट्स का चेंज आएगा, तो वो वीगा मुझे बताता है। और थीटा मुझे बताता है कि हर दिन पर डे, अगर जैसे ऐसे दिन निकलता रहता है, वो उतना दिन निकलते निकलते मुझे कितना पॉइंट्स का मेरे ऑप्शन प्रॉफिट में नुकसान होता रहेगा। मान लीजिए अगर मैं एक दिन मेरा निकल जाता है और मेरा जो निफ्टी है, और निफ्टी मेरा अगले दिन भी 8,200 पर ही एक्सपायर हो जाता है, तो मुझे मेरे प्रॉफिट में से 1,600 रुपये, 1,700 रुपये दे देने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि मैं आईवी को उतना ही रखता हूँ अभी, आईवी को मैं चेंज नहीं करता हूँ, और मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अभी के लिए 400 रुपये बता रहा है, और मैं निफ्टी बोलता हूँ, निफ्टी का मेरा जो है अभी निफ्टी अभी 8,200 पर ही है, और मैं एक दिन इसमें से आगे निकालता हूँ, तो जो 400 का प्रॉफिट है वो 1,200 का लॉस हो गया। तो जो यहाँ पे हमें 1,700 दिख रहा था, वो 1,700 आपसे सीधा सीधा ले लिए गए हैं। क्यों? मार्केट वहीं पर था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस एक दिन निकला, और टाइम डीके की वजह से आपने अपने प्रॉफिट में से 1,700 रुपये खो दिए। तो चलिए मैं इसको अगर एक्सपायरी तक लेके जाता हूँ, एट एक्सपायरी रखता हूँ इसको, तो मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे प्रॉफिट गेन करना है, तो मुझे मार्केट में कितना मूव चाहिए? ओ, तो मुझे मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 9,000 का भी मेरा मार्केट 9,000 का पर भी रीच हो जाता है, जो कि मुझे लगता है 10% के आसपास का मूव है, 10 या 12% के आसपास का मूव है, तो भी मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे प्रॉफिट होना कब चालू होगा? जब मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन दे रखा है एक्सपायरी पे 9,130 पर पहुँचता है। जब मेरा ब्रेक इवन 9,130 पहुंचेगा, तब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होऊंगा। तब उसके आगे अगर मार्केट मूव करता है, उसके आगे अगर मार्केट एक्सपायर होता है, तो मुझे गेन होगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ इंक्लाइन होता हूँ, तो मुझे मेरे फेवर में पूरी कायनात होनी चाहिए कि मुझे मेरे लिए आईवी भी ठीक होना चाहिए, मेरा थीटा जो थीटा है उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो भी एक पर्टिकुलर ब्रेक इवन के ऊपर एंड होना चाहिए। तो इतनी सब चीज़ें एक ही जगह पे गिरना, एक ही जगह पर फॉल करना काफ़ी मुश्किल लगता है, आई नो। ओके, तो चलिए इससे आगे चलते हैं और एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी स्टॉक में अगर आपको लगता है, मान लीजिए कि आपका व्यू यस बैंक के ऊपर बुलिश है, आप ये मानते हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो मेरा ये आपसे सवाल रहेगा कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, या आप ये सोच रहे हैं कि ये नीचे नहीं जाएगा? तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, वो ऊपर जाएगा तभी तो नीचे नहीं जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपसे विचार मेरे थोड़े से मिलते नहीं होंगे। तो अगर मैं यस बैंक का
यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो मेरा व्यू इस पे रहेगा कि ये जो है, ये जो मेरा जो यस बैंक है, वो एक्सपायरी के दिन, डेट एट द डेट ऑफ एक्सपायरी, वो 40 से ऊपर जाएगा। मतलब 34 से तो उसको ऊपर जाना ही जाना है, 34-36 से ऊपर, क्योंकि 36 पे उसका ब्रेक इवन है। तो इस वक्त पे ऑप्शन बाइंग करते वक्त मुझे ये पता चल रहा है, मैं ये मेरे दिमाग में है कि ये इसमें एक अच्छा खासा बड़ा मूव आएगा। तो चलिए, अगर आपका कभी ऐसा व्यू हुआ मार्केट को लेकर कि यार ये यस बैंक ना इस करंट प्राइस से नीचे तो नहीं जाएगा, इससे ऊपर जाए चाहे कितना जाए, बट इससे नीचे नहीं जाएगा, अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास है ये। अच्छा, अब इसके मार्केट में अब ऐसा सिनारियो है कि इसका प्राइस अब नीचे नहीं गिरेगा। तो चलिए दोस्तों, इस बार मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाइंग की जगह, सिंस मेरा ये व्यू है कि यस बैंक नीचे नहीं जाएगा, तो मैं एक पुट सेल कर देता हूँ अगले मंथ की एक्सपायरी के लिए। इसको मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आप देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन तक अगर मैं इसको ट्रेड को लेकर जाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि मुझे यहाँ पर, अगर सपोज मान लिया कि मेरा यहाँ पे अभी ये मुझे मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, मैक्स प्रॉफिट मेरा एट एक्सपायरी 1 लाख के आसपास का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रीमियम काफ़ी हाई है वैसे इसका, 1 लाख इसका प्रीमियम आपको आपको मिलेगा, सिंस ये जो क्या बोलते हैं, ये आप सेल कर रहे हैं ऑप्शन, तो प्रीमियम आपको मिलेगा। तो अगर एक्सपायरी के दिन ये चीज़, ये यस बैंक अगर ऊपर जाता है तो वो तो मेरे फेवर में है ही, परंतु अगर नीचे नहीं जाता है और ये 30 की प्राइस पर, अभी जो 29 की प्राइस है उसी पर खड़ा रहता है, तो भी मुझे 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। और अगर उससे नीचे सपोज मान लीजिए 5% तक अगर चला जाता है, तो भी 5 या मैं 8% भी कर देता हूँ इसको, 8% 27 या 26 रुपए तक भी चला जाता है, तो भी मुझे यहाँ पे 70 से 80 हज़ार तक का फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि एक सेल, केवल आप अगर सेलिंग करते हैं, केवल आप अगर सेल करते हैं बाइंग ऑप्शन की जगह, अगर आपका मार्केट को लेकर जो व्यू है उसको बस आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पे ऑफ डायग्राम कितना इजीली चेंज हो गया, कितना इजीली रिवर्ट हो गया। जो पहले हमारे टारगेट रीच होने पर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, अभी अगर मार्केट नहीं भी मूव करता है और थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट भी चला जाता है, तो भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और सेकेंडली जो थीटा है, थीटा तो 0 हो गया है, साथ अगर मैं एक्सपायरी से पहले लेके आता हूँ इसको, तो थीटा का भी रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम है अगर मैं बाइंग ऑप्शन को देखता हूँ तो। और आईवी अगर हाई है तो वो हमारे फेवर में है, सिंस वी आर सेलिंग दी ऑप्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अब ऐसे फीचर को एक्सप्लोर करते हैं जो सेंसिबल को बनाते वक्त हमारे दिमाग में था कि हम क्या हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी एक टारगेट प्राइस के लिए, अगर मेरे मेरे दिमाग में किसी एक स्टॉक की, किसी एक इंडेक्स की अगर मेरे दिमाग में एक टारगेट प्राइस है, तो मुझे एनालाइज करके बताया जाए कि क्या मुझे ऑप्शन बाय करना चाहिए या उस स्टॉक के लिए, उस इंडेक्स के लिए मुझे ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जाते हैं प्राइस कैलकुलेटर में। यहाँ पे जब आप प्राइस कैलकुलेटर में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ डालता हूँ कि मेरा एक एक्स वाई जी स्टॉक है, सपोज मान लिया बैंक निफ्टी है, और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अगले दिन ही, मतलब मान लिया अभी कि 26 मार्च को एक्सपायरी है और आज 25 है, तो कल एक्सपायरी होने को है, और एट द मनी जो ऑप्शन है इसका मैं कॉल स्ट्राइक, मतलब कॉल और पुट स्ट्राइक इसका एट द मनी 1800-1500 है, और मेरा फ्यूचर टारगेट है, मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि ये 19,000 पहुंच जाएगा, 19,000 होगा विद इन कल तक। तो टारगेट डेट मैं क्या, मैंने कल तक, कल की डाल दी, और इसको अगर मैं गो बोलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये एनालाइज करके बताया जाएगा कि इस वक्त पे जब आज मैं अगर
इसको ऑप्शन को आज अगर मैं खरीदता हूँ या बेचता हूँ, इफ आई बाय अ कॉल ऑप्शन और सेल अ पुट ऑप्शन, तो मुझे यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ तो मुझे 1 रुपए का लॉस है, और अगर मैं सेल ऑफ पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ तो मुझे 10,000 तक का यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी में 2% का ये मूव आता है, और मान लीजिए कि ये मूव नहीं आया, जो बैंक निफ्टी था वो 1800 के आसपास ही ख़त्म हो गया, 1850 1800 500 जो अभी है, इतना ही कुछ आसपास मूव आ रहा है और यहीं ख़त्म हो गया, तो भी मैं जब पुट ऑप्शन की बात करता हूँ, सेलिंग पुट ऑप्शन की बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फिर भी 10,000 का फ़ायदा हो रहा है, और मेरा जो बाइंग ऑप्शन है उसका नुकसान मुझे यहाँ पे 7,000 हो गया, जो पहले 1 रुपया था। तो अगर मेरा जो व्यू है मार्केट को लेकर वो वेरी बुलिश ना होकर स्लाइटली बुलिश है कि ये ऊपर तो जाएगा बट ये नीचे नहीं आएगा, और अगर ये मैं अगर इसमें थोड़ा सा गलत भी हो जाता हूँ, सपोज मान ली नीचे भी आ जाता है, मेरे पास इतना टॉलरेंस है कि मैं 18,500 से ये केवल 18,000 पर भी आ जाता है तो भी मैं यहाँ पर 1,000 रुपये कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ पुट ऑप्शन सेल करके, ऑप्शन सेलिंग करके। मेरे पास एक 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 कह लीजिए कि मेरे पास एक टॉलरेंस है गलत होने की भी। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, हमेशा वो ये टारगेट करते हैं कि वो कम से कम टाइम पर रॉन्ग हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही नहीं होना है बट कम से कम गलत होना है हमको, तभी हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट जो मुनाफा है वो मार्केट में बना पाएंगे। और यही उसका मैं अगर उल्टा करूं कि मुझे लगता है कि जो अभी बैंक निफ्टी है ये 18,500 पर जो अभी है, यहाँ से ये नीचे जाएगा, तो पुट ऑप्शन में अगर बाय करता हूँ और कॉल ऑप्शन की सेलिंग करता हूँ तो भी मुझे वही सेम रिजल्ट्स मिलते हैं जो मुझे पहले मिले थे, पहले केस में मिले थे, बुलिश व्यू में मिले थे, अभी मेरा व्यू बेरिश है, और अगर मैं नीचे या अगर ये मेरे फेवर में मूव होता है तो पुट ऑप्शन मुझे तब पैसे कमा के देगा जब इसमें 3% का डाउन मूव आ जाएगा, और जो मेरा कॉल ऑप्शन है, सेलिंग दी कॉल ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन है, वो मुझे हमेशा से जब जैसे ही मैं मेरा जो बैंक निफ्टी है वो अगर 18,500 पर भी रहा तो भी मुझे प्रॉफिट बना के देगा, नीचे गिरता है तो भी प्रॉफिट बना के देगा, और कुछ ऊपर भी चला जाता है तो भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मेरे मार्केट व्यू से, हमने ये देख लिया कि बाकायदा हमने ये पूरी तरह इंश्योर है कि जब भी मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा तब तब मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट होने की चांसेस जल्दी भी आते हैं, अदरवाइज अगर मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं और काफ़ी लेट आते हैं, स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आना चाहिए तब मुझे जाके बाइंग ऑप्शन में प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मैं सिर्फ नेकेड सेलिंग करता हूँ, अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस को सेल करता हूँ, तो अगर मेरे व्यू से मैं ज़्यादा गलत साबित होता हूँ तो मेरा जो लॉस है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई एंड कैप नहीं है लॉस पे कि मुझे इतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। बाकायदा ये मैं मानता हूँ कि सेलिंग ऑप्शन में प्रॉफिट बहुत जल्दी अचीव होता है क्योंकि ब्रेक इवन हमको बहुत जल्दी मिल जाता है, पर अगर मेरे मार्केट व्यू से मैं थोड़ा गलत ना होके कुछ ज़्यादा गलत साबित हुआ तो मुझे लॉस भी उतना ही होगा, लॉस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। याद रखिए मैंने आपको ये कहा है कि आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा गलत ना हों, आप सही होते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ज़्यादा गलत साबित होते हैं, अगर आप थोड़ा गलत भी साबित होते हैं तो भी यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट कुशन है वहाँ पर, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप ज़्यादा गलत अपने मार्केट व्यू से साबित होते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पर एक अच्छी बात यह है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी भी सीखने जाएंगे, सीखेंगे जिसमें हम अपना जो ये एंड लॉस है, ये जो एंड लॉस पूरा जा रहा है आगे तक, इसको एक जगह पर कैप कर सकते हैं कि मुझे
इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और सिंस हमने अपना प्रॉफिट तो कैप कर ही दिया है कि मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट कैप्ड है, लॉस कैप्ड है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इससे बेस्ट ट्रेड मुझे नहीं लगता दोस्तों आप हमें मिलेगा। तो दोस्तों आपके आपको ये चीज़ सोचना है, आपको इस चीज़ पर दिमाग लगाना है कि क्या आपको हर वक्त सही होना है या आपको ये सोचना है कि मैं कम से कम गलत हूँ। तो ये आपके हाथ में है, आपको कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो फीचर है सेंसिबल का, तो दोस्तों इसे आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी इंडेक्स को लेकर, किसी भी मार्केट को लेकर अगर आपके जहन में कोई व्यू है, तो आप ज़रूर यहाँ पे एनालाइज करें कि आपको क्या लगता है ये ऊपर जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, या मैं बात करूँ ये नीचे जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एनालाइजर आपको सब एनालाइज करके देता है कि इस सिनेरियो के लिए क्या बेस्ट रहेगा, ऑप्शन बाइंग बेस्ट रहेगी या फिर ऑप्शन सेलिंग। तो दोस्तों अब तक हमें ये पता चल चुका है कि हमें बाय कॉल ऑप्शन, मतलब कोई सा भी ऑप्शन बाय तब करना है जब आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी काफ़ी कम हो, और हमें सेलिंग तब करनी है जब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी आईवी बढ़ता है तो बाइंग ऑप्शन में हमें फ़ायदा होता है। जब भी हमारा आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शंस का प्राइस भी बढ़ता है, और वैसे ही जब आईवी घटता है तो हमारे ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम प्राइस भी घटता रहता है। तो जब भी मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रीमियम उतना मिलता रहेगा, उतना मुझे फ़ायदा होता रहेगा जैसे जैसे आईवी घटता रहेगा, और अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मुझे फ़ायदा तब होगा जब आईवी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आईवी कितनी किसकी ज़्यादा है, कितनी किसकी कम है। तो चलिए अब मैं इसी इसी टोन पर मैं आपको लेके जाता हूँ सेंसिबल के इस फीचर पर। यहाँ पे जब आप स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी एफएनओ में स्टॉक्स हैं उनके सबके आपको फ्यूचर प्राइस, एटीएम, आईवीज वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक की एट द मनी आईवी आपको यहाँ पे पता चलती है कि किसकी कितनी आईवी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो आईवी आप दिखा रहे हैं यहाँ पे वो आईवी उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ज़्यादा है या उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक किस्म की मुझे आईवीज दिख रही हैं कि यहाँ पे मुझे 108 भी दिख रहा है, यहाँ पे 10 भी दिख रही है, 105 भी दिख रहा है, 400, 450 भी दिख रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो करंट आईवी है वो आईवी ज़्यादा है या कम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आईवी परसेंटाइल पे जाऊँगा, और आईवी परसेंटाइल मुझे ये बताएगा कि ये जो आईवी आपको दिखाई दे रही है वो परसेंटाइल बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा इसका परसेंटाइल रहेगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे परसेंटाइल रहेगा उतना ज़्यादा मान लीजिए ये आईवी है। अब वो कैसे है कि मैं ये जो आईवी परसेंटाइल मैं निकालता हूँ, यहाँ पे आईवी परसेंटाइल जो मिलता है मुझे वो कैसे मिलता है कि मैं पिछले 100 दिनों को अगर मैं देखता हूँ तो इतनी आईवी या इससे ज़्यादा आईवी मुझे कहीं मिली है या नहीं मिली है पिछले 100 दिनों में। तो अगर मुझे परसेंटाइल यहाँ पे 100 मिल रहा है तो इसका मतलब पिछले 100 दिनों में ये सबसे ज़्यादा आईवी है, और अगर मुझे यहाँ पे 6 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 94 डेज ऐसे थे जिनमें इसकी आईवी 2.5 से ज़्यादा थी, और 5 दिन ऐसे थे जो 5 दिन ऐसे थे जिनमें 2.5 से कम थी इसकी आईवी। तो गाइज अगर मैं सिंपल इसको इस तरह देखूं कि 97 अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि 3 दिन ऐसे थे जब इसकी आईवी 105 से भी ज़्यादा थी, और बाकी के 96 डेज इसकी आईवी 105 से कम थी। मतलब परसेंटाइल जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए उसका आईवी है। तो सिंपल अगर मैं किसी भी स्टॉक पर, किसी भी इंडेक्स पे अगर मैं बुलिश हूँ तो मेरे दो ऑप्शंस मुझे मिलते हैं, या तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँ या फिर
कॉल ऑप्शन को बाय करूं या फिर पुट ऑप्शन को सेल करूं। सिंपल मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ और दूसरा कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, वो मुझे यहाँ IV बताएगा कि अगर IV ज़्यादा है तो मैं पुट को सेल करूँगा और अगर IV कम है तो मैं कॉल बाय करूँगा। तो सिंपल सिंपल स्टफ है दोस्तों कि अगर सपोज IV ज़्यादा है तो मुझे सेल करना है और अगर IV कम है तो मुझे बाय करना है, और अकॉर्डिंग टू योर मार्केट व्यू आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीद या बेच सकते हैं। तो सिंपल सा स्टफ, IV ज़्यादा तो सेलिंग, IV कम है तो फिर बाइंग। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि स्प्रेड्स क्या होते हैं और स्प्रेड्स क्यों किए जाते हैं। तो स्टॉक वही है, यस बैंक। इसमें मैं क्या करता हूँ, एट द मनी एक मैं कॉल ऑप्शन अगले महीने के लिए, अगले महीने की एक्सपायरी के लिए बाय कर लेता हूँ, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो वही एक हमारा पे ऑफ डायग्राम बनता है जैसा हमारा हमेशा बाय ऑप्शन में बनता है। तो अगर टारगेट डे पर मेरा जो स्टॉक है येस बैंक है, वो अगर मुझे 14% की भी मूव दे देता है तो भी मैं इसमें लॉस ही बना रहा हूँ, मैं 15,000 का लॉस ही इसमें उठा रहा हूँ। तो चलिए इसमें एक फिर से अपन इसमें एक सेल लेग ऐड करते हैं। तो कॉल ऑप्शन अगले महीने की एक्सपायरी और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 30 की जगह 35 पे, इसको ऐड कर दिया मैंने। तो अब देख रहे हैं आप ये कितना सुंदर पे ऑफ डायग्राम बना हुआ है। चलिए मैं इसको फिर से अपने इसकी ओरिजिनल प्राइस पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और इसको आज पे रीसेट करता हूँ। तो आप अगर अब थीटा और वेगा की वैल्यू को देखेंगे तो आप अगर मैं इसको एक सेकेंड के लिए अगर मेरा ये सेल लेग में हटा देता हूँ, तो अगर मैंने मेरी प्रोटेक्शन हटा दी तो 32 का जो थीटा था वो अब -960 मतलब 1,000 रुपये तक पहुँच गया, और जो वीगा हमें 13-14 का दिख रहा था वो अभी 250 रुपये तक आ गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से इसको कॉल स्प्रेड इसका ऐड कर देता हूँ, स्प्रेड ऐड करता हूँ इसका सेल। तो अब अगर मैंने फिर से मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे डाल दी है तो थीटा फिर से 32 आ चुका है, वीगा 1.9 आ गया है। तो अब मैं इसको अगर देखता हूँ टारगेट डे पर इसको लेके जाता हूँ, तो टारगेट डे तक अगर मेरे स्टॉक में थोड़ी सी भी मूवमेंट आती है, मतलब अगर ये 30 से अप्रोक्स ये 31 तक आ गया, 1 रुपये का इसमें बदलाव आया, 5% अगर इसने अप मूव करा, तो मुझे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे 4,000 तक का दिख रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि पहले जो मुझे प्रीमियम 50,000 तक देना पड़ रहा था, अब मुझे केवल 7,000 प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 36,000 है, 36 या 37,000, और मैक्सिमम लॉस एट एक्सपायरी मेरा केवल 7,000 रुपये है। तो यहाँ से इस बाइंग से मैंने प्रीमियम दिया और इस सेलिंग से मैंने प्रीमियम ले लिया, तो इवेंचुअली माइनस होके ये मुझे 7,000 तक का प्रीमियम पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सेलिंग यहाँ ऐड करने से, एक जो ये क्या बोलते हैं, एक प्रोटेक्शन यहाँ ऐड करने से मेरा जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो गया। और आपको इसमें दिख रहा है कि मुझे अब इसमें अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है। अगर मेरा यस बैंक नीचे भी नहीं जाता है, यहाँ पे यहीं पे रहता है 31 और 32 के बीच में भी रहता है, तो भी मुझे कोई खास इसमें लॉस हो नहीं रहा है। मैक्स मैक्स अगर मेरा यहाँ बोलता हूँ मैं 30 पे पहुँच गया तो भी मुझे 4,000 से 2,000 तक का लॉस हो रहा है केवल। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो पहले 50,000 का लॉस हो रहा था उसको मैंने कैप करके 7,000 पर लेके आया हूँ जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस सेलिंग। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि अभी मैं अगर सपोज मानता हूँ कि मेरा जो यस बैंक है किसी वजह से मेरा अभी 34 पर उसका स्टॉक प्राइस पहुंच जाता है, तो मुझे 28,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। और अगर केवल मैं बाइंग करता हूँ तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं अगर मेरा स्टॉक
34 पर भी पहुंच जाता है तो भी मुझे यहाँ पे लॉस होता है। मतलब अगर मैं केवल बाय करता हूँ तो मुझे 15,000 का नुकसान है, और अगर मैं बाय के साथ यहाँ पे सेलिंग भी करता हूँ तो मुझे 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और आप समझ लीजिए कहाँ आपको एक जगह हो रहा है 15,000 का लॉस, एक जगह हो रहा है 28,000 का प्रॉफिट। तो दोस्तों अभी जो हमने ये स्ट्रेटजी देखी कि एक मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय किया है एट द मनी का, और एक मैं बाय करता हूँ, सॉरी मैं सेल करता हूँ एक कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का, यानी 35 का मैंने एक सेल कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं अभी तो मैंने केवल एक बाय किया है 30 का कॉल, तो वो आप यहाँ पे जो ये पिवट पॉइंट देख रहे हैं ये है इस एट द मनी कॉल ऑप्शन का, 30 का कॉल का पिवट पॉइंट है यहाँ पे। और जैसे ही आप, जो कि मैं 35 पे अभी एक सेल भी कर रहा हूँ, तो आप ये 35 को गौर करिएगा यहाँ पर, तो जैसे ही मैं ये एक लेग यहाँ पे ऐड करता हूँ तो एक 35 पे यहाँ पे एक पिवट और ऐड हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल करते टाइम मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे कैप कर रहा हूँ और बाय करते टाइम मैं अपना लॉस यहाँ पर कैप कर रहा हूँ। जब मैंने बाय किया तो मेरा लॉस यहाँ पर लिमिटेड हो गया, और जब मैंने सेल किया तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड हो गया। तो इस स्ट्रेटजी को मैं कहता हूँ बाइंग अ कॉल स्प्रेड, कॉल स्प्रेड को बाय करना। सिंस हमने एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय किया है, इस वजह से मैं इस स्ट्रेटजी को बाइंग कॉल स्प्रेड कहता हूँ। तो दोस्तों ये वो कॉल स्प्रेड है जिसके बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, जिसका हमने अभी एग्जांपल देखा था, जिसमें कि हम एक कॉल बाय करेंगे या तो एट द मनी या इन द मनी की, और एक हम कॉल सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी की। तो ये जो मुझे यहाँ पर लॉस कैपिंग मिल रहा है वो बाय से मिल रहा है, और यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट कैपिंग मिल रहा है वो सेल से मिल रहा है। तो मैंने सिंपल सा क्या किया कि मैंने कुछ ऑप्शन प्रीमियम वापस मार्केट से ले लिया, मैंने किसी दूसरे बायर से मैंने ऑप्शन प्रीमियम ले लिया, क्योंकि मुझे केवल पता था कि मुझे केवल इतना आइडिया है कि जो मेरा अंडरलाइन स्टॉक है वो केवल इतना ही मूव करेगा, तो बाकी के मूवमेंट का जो प्रीमियम है, बाइंग का जो बाकी का प्रॉफिट का जो प्रीमियम है, मैं उसको क्यों दूं। तो उस सोच से मैंने यहाँ पर एक सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो ये आपको कब खरीदना है, जब आपको लगता है एक लिमिटेड मूव मार्केट में आएगा, ज़्यादा बड़ी मूव भी नहीं, ज़्यादा बड़ी मूव भी नहीं है और थोड़ी स्मॉल मूव भी है, और सेकेंडली आपका जो स्टॉक है वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा या फिर वहीं रहेगा जहाँ अभी है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं। इसका प्रोज है कि भाई हमें लिमिटेड मार्जिन, लिमिटेड प्रीमियम देना पड़ता है, सिंस हमें सेल से कुछ प्रीमियम वापस मिल जाता है, तो हम केवल अपने लिमिटेड अपसाइड मूव के लिए ही जो प्रीमियम लगता है उतना हम प्रीमियम देते हैं। ये बाइंग कॉल से काफ़ी चीपर है, सिंस हमें वापस प्रीमियम कुछ मिल रहा है इसलिए ये बाइंग कॉल से चीपर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वीगा और थीटा का रिस्क मैटर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, वीगा और थीटा इन दोनों से जो हमें हमेशा बाइंग के टाइम पे एक रिस्क लगा रहता है, डर लगा रहता है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जब मैं शुरुआत में ये सब टर्मिनोलॉजी सीख रहा था तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, वीगा क्या है, थीटा क्या है, क्या बात चल रही है, तो मुझे कनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता था। तो मैंने एक सिंपल सा ये एक चीट निकाला था कि टी फॉर टाइम देन टी फॉर थीटा। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा, मैं बात कर रहा हूँ टाइम की, टाइम डीके की, जैसे ऐसे समय निकलता रहता है ऑप्शन प्रीमियम मेरा घटता रहता है, और वी फॉर वीगा, वी फॉर वोलेटिलिटी। तो जब भी मैं वीगा की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं वॉलेटिलिटी की, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की, जैसे ऐसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है वैसे 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 मेरा ऑप्शन प्राइस भी ऊपर बढ़ता जाता है। तो सिंस मैं यहाँ पे सेलिंग भी कर रहा हूँ बाइंग भी कर रहा हूँ तो मुझे इस टी फॉर टाइम टी फॉर थीटा की ज़रूरत नहीं, और सेम एज़ वी फॉर वॉलेटिलिटी और वी फॉर वीगा की भी
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पे मुझे छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पर बाइंग ऑप्शन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल हमारी येस बैंक के एग्जाम्पल पे जब हमने स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी थी, कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी थी, तो इसके साथ ही साथ मैं एक दूसरी स्ट्रेटजी भी बुलिश व्यू पे लगा सकता हूँ जो कि है पुट स्प्रेड। जिस तरह ये कॉल स्प्रेड है वैसे ही पुट स्प्रेड भी होता है, तो मैं यहाँ पर अभी इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ। और जैसा कि हमने जब कॉल स्प्रेड करते वक्त बोला था, जब बाय कॉल स्प्रेड किया था तो हमने बाय किया था कॉल एट द मनी पर, और स्प्रेड करने के लिए एक आउट ऑफ द मनी सेल किया था, तो वो बाय कॉल स्प्रेड हुआ। अब मैं अगर सेल पुट स्प्रेड करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सेल करना पड़ेगा अगले मंथ के लिए, और सेल पुट स्प्रेड कर रहा हूं तो मैं सेल करूंगा पुट को एट द मनी, तो एक मैंने लेग यहां पे ऐड कर दिया। अब सिंस मुझे इसको स्प्रेड करना है, इसका स्प्रेड करना है, मुझे केवल नेकेड सेलिंग नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे एक और लेग ऐड करता हूँ जिसमें कि मैं पुट को ही अगले महीने के लिए बाय करूँगा, बट इस टाइम पे एट द मनी ना करते हुए मैं इसको इन द मनी बाय करूँगा। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको एक्सपायरी तक लेके जाता हूँ तो वही पहले जैसा ग्राफ हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, वही पहले जैसा ग्राफ दोस्तों मिल रहा है अभी भी मुझे यहाँ पर। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आप एक कैच फाइंड करिए, तो वो ये होगा कि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट है वो कुछ अलग नज़र आ रहा है मुझे। और वो मैं कैसे बताता हूँ कि चलिए मैं इन दोनों को वापस अनचेक करके मेरी कॉल स्प्रेड की जो स्ट्रेटजी है उसको एक्टिवेट करता हूँ और इसको एक्सपायरी तक लेके गया मैं, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 36 यानी 36.96 के, अप्रोक्सीमेटली 37 के, देख रहे हैं आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा एट एक्सपायरी इतना मिल रहा है। और पुरानी वाली जो अभी अभी हमने नई स्ट्रेटजी सॉरी हमने जो नई स्ट्रेटजी सीखी पुट स्प्रेड की, उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 25,000 मिल रहा है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट कर देता हूँ पहले, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि अगर मैं पुट स्प्रेड करता हूँ, अगर मैं पुट स्प्रेड को सेल करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी इज 25,000, ठीक है। और इसी में अगर मैं ढूंढूँ कि मैक्सिमम लॉस मेरा कितना होगा, तो मैक्सिमम लॉस मेरा एट एक्सपायरी है 18,000। और अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो मेरा 27 पर ब्रेक इवन आएगा, तो करंटली जो स्टॉक मेरा अभी 29 पर ट्रेड कर रहा है, तो 27 पे मेरा ब्रेक इवन रहेगा इसमें, कि मतलब अगर मैं 27 पे अगर मेरा स्टॉक प्राइस आता भी है तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में रहूँगा। तो मेरे पास एक टॉलरेंस है गलत होने का भी, कि मैं 27 तक गलत हो सकता हूँ, उसके आगे अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ मैंने इसके लिए डाल दी यहाँ पर। अब मैं बढ़ता हूँ कॉल स्प्रेड की तरफ, मैंने कॉल स्प्रेड की जो स्ट्रेटजीज है उनको एक्टिव करा, चेक किया, तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी है वो 37,000 है, और मैक्सिमम लॉस एट एक्सपायरी है वो मेरा 7,000 है, और जो मेरा ब्रेक इवन है वो 30 के आसपास का है। तो गाइस, अगर मैं इसको देखूं अभी, तो जब भी किसी भी स्टॉक पर, किसी भी मैं इंडेक्स पे, किसी भी अंडरलाइन स्टॉक पर अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ कि नहीं भाई इसमें तो मैं मेरा विजन मेरा मार्केट व्यू एकदम श्योर है कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो उस वक्त मैं कॉल स्प्रेड को यूज़ करूँगा।
क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन भी थोड़ा सा ऊपर है, और आप अगर सेलिंग अ पुट स्प्रेड को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक इवन काफ़ी नीचे है, तो मैं प्रेफर करूँगा इसको। जब भी अगर मुझे कुछ कहीं पे अगर मुझे स्लाइटली मेरा बुलिश व्यू है तो मैं सेलिंग अ पुट स्प्रेड को सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर बाइंग अ कॉल स्प्रेड। तो सिंस बाइंग कॉल स्प्रेड में मेरा जो मैक्सिमम लॉस है, हालांकि वो कम है, बट यहाँ पर जो ब्रेक इवन है वो मेरा काफ़ी क्लोज है, तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि मुझे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर थोड़ा सा भी स्टॉक मेरे डायरेक्शन के अपोजिट अगर मूव करता है। तो मैं सेलिंग अ पुट स्प्रेड को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा जब भी मैं किसी अंडरलाइन के ऊपर बुलिश होऊंगा, और अगर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ उसके ऊपर और मुझे लगता है कि बॉस दिस थिंग इज़ गोइंग टू गो वेरी मच फार, देन आई विल गो विथ बाइंग अ कॉल स्प्रेड। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक दूसरे तरीके से और समझते हैं कि क्यों मैं सेलिंग पुट स्प्रेड को सेल करने पे इतना ज़ोर दे रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी में फिर से जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो पुट स्प्रेड है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी को फिर से एक्टिवेट करता हूँ, और मैं ये लेके चलता हूँ कि स्टॉक जो है वो अपनी जगह से कुछ खास मूव नहीं हुआ है, वो अभी वही 29 29 30 के आसपास ही है, और अगर एक्सपायरी टच होता है, एक्सपायरी पर भी इतना ही रहता है, तो भी दोस्तों मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, प्रॉफिट मेरा 21,000 मुझे फिर भी हो रहा है। और वहीं अगर मैं दूसरा कॉल स्प्रेड खरीदना या बाइंग पे जाता हूँ तो मुझे क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं कि मैं अपना बाइंग जो कॉल स्प्रेड है उसको मैंने स्ट्रेटजी को ऑन करा है और मेरा जो स्टॉक है वो मेरा वहीं पर है, अभी कहीं मूव नहीं किया है, और अगर मैं एक्सपायरी तक जाता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉस बनाना शुरू कर दिया है मैंने, मुझे यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक इवन आपका जो पुट स्प्रेड सेलिंग का है वो काफ़ी जल्दी आ जा रहा है, काफ़ी पहले है बजाय बाइंग अ कॉल स्प्रेड के ब्रेक इवन के। तो 27 पर ही आपका ब्रेक इवन यहाँ मिल जाता है आपको, और उसके बाद जो आपका थीटा वैल्यू है, टाइम डी के वैल्यू है, वो आपको आगे जैसे जैसे दिन निकलता जाता है वैसे वैसे मिलती जाती है। तो अब आप अभी पूरी तरह समझ चुके होंगे कि पुट स्प्रेड को सेल करने में क्या फ़ायदा है, और अगर आप मार्केट पे काफ़ी बुलिश हैं और आपको पता है कि आपके गलत होने के चांसेस उतने नहीं हैं, आपका स्टॉक ऊपर तो मूव करेगा ही करेगा, ब्रेक इवन के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वक्त पे बाइंग कॉल ऑप्शन कॉल स्प्रेड पे जाएं। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं सारांश की ओर, समरी की ओर। तो जो भी हमने अप मूव के लिए जितनी भी जो भी स्ट्रैटेजीज हमने सीखी थी अभी तक, वो इस पू एक स्लाइड में पूरा सब कुछ ढाल दिया गया है। अगर आप ये एक स्लाइड ढंग से समझ लेते हैं और ये एक स्लाइड आपको पूरी तरह समझ में आ जाती है, तो समझ लिए आपको जितना भी अब तक पढ़ाया गया है आधे आधे पौना घंटे से, वो पूरा सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं कि हमें अगर मैं अप मूव की, ये जो समरी है वो केवल अप मूव के लिए है, कि अगर मैं अप मूव की बात कर रहा हूँ कि ऊपर का मूव अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट को लेकर मैं बुलिश हूँ, तो मुझे कॉल कब बाय करना चाहिए, जब मुझे व्हेन आई हैव टू बाय अ कॉल, जब मेरे मुझे एक बड़े अप मूव की, बिग अप मूव की मार्केट से मार्केट में अनुमान है, मुझे बड़ा मूव लग रहा है कि बड़ा मूव आने को है, मुझे पुट को सेल कब करना चाहिए, जब मैं ये सोचता हूँ कि ये ऊपर जाए ना जाए पर ये नीचे तो नहीं जाएगा, तो कोई भी डाउन डाउन मूव इसमें नहीं है। कॉल स्प्रेड को बाय कब करना चाहिए, बाय कॉल स्प्रेड जो कि जस्ट हमने अभी भी सीखा, हमें कॉल स्प्रेड को बाय कब करना चाहिए, जब एक छोटा मूव की हमें अंदेशा हो कि इसमें छोटा मूव ऊपर साइड पे, लिमिटेड मूव आएगा ऊपर साइड पे। और सेल पुट स्प्रेड कब करना है, जब हमें ये पता है भैया नीचे ये नहीं जाएगा, तो उस वक्त पे मुझे सेल पुट स्प्रेड करना है। तो प्रॉफिट पोटेंशियल बाय कॉल में अनलिमिटेड है, सेल पुट में भी हाई है,
बाय कॉल स्प्रेड में मीडियम है और सेल पुट स्प्रेड में लो है। कंडीशंस क्या है? अगर आईवी लो होता है तो हम ऑप्शन को बाय करते हैं, और अगर आईवी हाई है तो ऑप्शन को सेल किया जाता है। और बाकी दो में मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि आईवी कहाँ भी है और कैसा भी है। मैक्सिमम लॉस मुझे बाइंग ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है, जितना मुझे प्रीमियम मैंने भरा होता है उतना मुझे लॉस हो जाता है। पुट ऑप्शन को सेल का ऑप्शन सेलिंग में मुझे लॉस अनलिमिटेड रहता है। स्प्रेड को बाय और सेल करने में मुझे बाइंग कॉल स्प्रेड में मुझे थोड़ा लॉस कम रहता है, बट सेलिंग पुट स्प्रेड में मुझे लॉस थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो कि जस्ट अभी हमने सीखा था। प्रीमियम इसमें हाई रहता है, बाको ऑप्शन बाइंग में हाई प्रीमियम रहता है जो कि हमें पे करना होता है। सेलिंग ऑप्शन में भी ऑप्शन प्रीमियम हाई रहता है, बट वो हम रिसीव करते हैं, वी आर एट रिसीविंग एंड। सो क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाइंग कॉल स्प्रेड में मेरा जो प्रीमियम रहता है वो लो रहता है और मुझे पे करना पड़ता है, और सेलिंग पुट स्प्रेड में प्रीमियम लो रहता है बट मैं उसको रिसीव करता हूँ। ब्रेक इवन बाइंग कॉल ऑप्शन बाय करने पर मेरा जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी दूर रहता है। ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए मुझे मेरे स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूव चाहिए। ब्रेक इवन इसमें काफ़ी लो रहता है क्योंकि मेरा अंदेशा क्या है कि ये नीचे नहीं जाएगा। बाइंग कॉल स्प्रेड में ब्रेक इवन हाई रहता है क्योंकि इसमें मुझे अंदेशा है कि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्लाइट अप मूवमेंट है इसमें, थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होना चाहिए उसके बाद मेरा जो ब्रेक इवन है वो टच होगा। और सिंस इसमें मुझे कोई ज़्यादा बड़े मूव की रिक्वायरमेंट नहीं है सेल पुट स्प्रेड में, तो इसमें मेरा जो ब्रेक इवन है काफ़ी लो है, एवरेज ब्रेक इवन है। तो दोस्तों ये जो आपने देखा अभी, ये आपने देखा अप मूव की समरी। अगर मैं अप मूव की बात करता हूँ, कभी भी आपको रेफर करना है कि मुझे एक अप मूव पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय कॉल स्प्रेड करना चाहिए, सेल पुट स्प्रेड करना चाहिए, तो आप इस टेबल को यहाँ पे रेफर करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास रखिए। तो जस्ट आप इसको खोलिए और देख सकते हैं तुरंत के तुरंत कि आपको क्या करना है। आपको कॉल स्प्रेड बाय करना है या पुट स्प्रेड सेल करना है, या फिर आपको ऑप्शन ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन को सेल करना है। दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है और कई बार हमसे ये पूछा भी गया है कि आप स्प्रेड्स बताते हैं अपने लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, तो क्या मैं दो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों ही अगर मैं बाय कर लूँ तो वो भी एक स्प्रेड की तरह ही काउंट होगा क्या, और उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप हमको बताइए। तो अभी के लिए मैं यूँ करता हूँ कि इन्फोसिस का मैं यहाँ पे स्टॉक ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि कॉल ऑप्शन को मैं बाय कर लेता हूँ अगले महीने के एक्सपायरी के लिए। सिंस अभी 606 पे इसका चल रहा है तो मैंने 620 का मैंने इसमें कॉल ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ इसको, और एक और लेग में इसमें ऐड करता हूँ, 606 का चल रहा है तो मैं 580 का यहाँ पर एक पुट ऑप्शन भी बाय कर लेता हूँ। 580 का ही जो पुट ऑप्शन है वो मैंने, जी हाँ ठीक है, तो मैंने ये बाय कर लिया यहाँ पे। तो अगर मैं एक्सपायरी तक जाता हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी तक गया, अगर मैं कि सपोज मैं एक्सपायरी तक चला गया, तो मेरे स्टॉक में जो इन्फी स्टॉक है उसमें मुझे सीधा सीधा काफ़ी लंबे बैंड के लिए, मतलब 580 से 620 तक केवल केवल मुझे लॉस ही हो रहा है, और उसके बाद भी मुझे लॉस हो रहा है, मैंने मेरा लॉस रिकवर करना शुरू किया है। तो मतलब मुझे इस साइड में भी काफ़ी बड़ी मूव चाहिए, मतलब 720 एक ऐसा ब्रेक इवन होगा इस साइड पे जहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो नहीं, पर हाँ एक मिनिमम लॉस पे रहूँगा, और यहाँ पे भी काफ़ी वो जो ब्रेक इवन है मेरा वो काफ़ी दूर है। तो दोस्तों चलिए इसको अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए मैं इसको वापस से जो इसकी इनिशियल स्टॉक प्राइस है मैं इसको वहाँ पे लेके चला जाता हूँ, और मान लीजिए कि अभी
डेट भी आज की है, तो अभी प्रोजेक्टेड लॉस इसमें आपको 2000 करीब का बता रहा है। और किसी किसी भी कारणवश सपोज मान लिया कि यहाँ पे आईवीज में, दोनों ही आईवीज में, ये दोनों ही आईवीज अप्रॉक्सीमेटली 60 पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो दोनों ही आईवीज अगर 60 पर शिफ्ट हो गई तो जो आपका 2000 का लॉस था दोस्तों, वो अब 34,000 का हो गया। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं दोनों ही ऑप्शन बाइंग करता हूँ या एक बाइंग और एक सेलिंग करता हूँ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो स्ट्रैंगल, इसको हम स्ट्रैंगल कहते हैं, स्ट्रैंगल जो स्ट्रैटेजी है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती है। इसमें मोस्टली मुझे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए इसी के साथ, अब जो हमने हमारा समरी देखा था अप मूव के लिए, अब हम आगे बढ़ते हुए जो डाउन मूव के लिए समरी है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो अप मूव के लिए जैसा हमने टेबल तैयार किया था, तो ये सिंस आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप डाउन मूव के लिए भी सेम वैसा ही टेबल आप तैयार करिए कि आप क्या करेंगे। छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, और बाकी दो में आप जो दोनों ही, एक में स्प्रेड सेल करेंगे, एक में स्प्रेड बाय करेंगे। वो थोड़ा सा आप फिगर आउट करिए कि आप किस किस में क्या क्या करेंगे, और चारों ही स्ट्रैटेजीज के लिए क्या क्या, कब कब मुझे ये स्ट्रैटेजीज यूज़ होंगी। यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ हमने यहाँ पर डिफाइन करा है इन चीज़ों को, वैसे ही आप कोशिश करिए कि यहाँ पे भी आप डिफाइन करिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथ से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, इस होमवर्क को सीरियसली लीजिए और आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। एक टेबल ज़रूर बनाइए जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। और हाँ ज़रूर, और वो टेबल बना के, और इस टेबल का और उस टेबल का स्क्रीनशॉट ज़रूर रखिए अपने पास कि जब भी आपको कोई डाउट आता है तो वापस आइए, स्क्रीनशॉट देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आपको किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है अपने मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना देर तक टिके रहने के लिए। आई नो ये वेबिनार काफ़ी लंबा चला, तो थैंक यू सो मच। और आपको ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, से शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो थैंक्स, इसी के साथ मैं सागर कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ, ज्वाइन करूँगा अगले किसी वेबिनार में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।